हे एवरीवन, तो आज दिन की शुरुआत हुई धृति की उल्टी से। तो मैंने गद्दा बाहर डाल दिया और सब साफ कर दिया है। तो आज सुबह धृति की तबीयत खराब है, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि उसने उल्टी की है। तो एक्चुअली उसे ठंड की वजह से उल्टी नहीं आई है, उसे बहुत ज्यादा कफ आ रहा है। तो वो खांस रही है, तो उसे लग रहा है कि उल्टी आ रहा है। तो उसने जितना भी दूध पिया था ना, सब खांस खांस के बाहर कर दिया। उसे मैं बार बार बता रही हूँ कि जो कफ आ रहा है मुंह में, उसको या तो बेसिन में थूक दे या बाथरूम में थूक दे। लेकिन वो अभी बहुत छोटी है, बच्ची है ना, तो वो समझ नहीं पा रही कि उसे थूकना है, वो कफ है। तो इस वजह से वो बार बार बीच में खास खास के सारा खाना और पानी सब ऐसे ही निकाल दे रही है। उसको लग रहा है कि वो उल्टी है। तो खैर, उसकी तबीयत खराब थी, मैं उसको स्कूल नहीं भेजना चाहती थी, पर 2 तारीख को उन लोग का एनुअल स्पोर्ट्स डे है, जिसमें ये सारे बच्चे डांस करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि दिवाली और छठ हम घर पे करके आए हैं, तो वो उस समय पे स्कूल नहीं गई। छठ के समय पे तो स्कूल खुला ही रहता है, तो वो स्कूल नहीं गई, तो उसका डांस का प्रैक्टिस उतना हुआ नहीं है। तो जाए थोड़ा सा वो प्रैक्टिस कर सके, इसलिए मैंने उसको स्कूल भेजा है। हालांकि वो उल्टी करने के बाद ठीक थी, एक्टिव थी, तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं लगी मुझे। तो मैंने उसको रेडी कर दिया और स्कूल भेज दिया। उसकी मैम ने मीशो पर लिंक दिया था कि कौन सी ड्रेस बच्चों को जो है डांस में पहननी है। तो वो जो ड्रेस है ना, वो मैंने मंगवा ली है। देखिए ये है फोटो में तो ये रेड दिख रहा था मीशो पे, पर ये रेड नहीं है, कुछ कुछ मेहरून टाइप का है। एक्चुअली बहुत अच्छा मेहरून भी नहीं है, पता नहीं कौन सा ही कलर है। और ये है उसकी पैंट, और ये मुझे मीशो पे 256 में मिली। लेकिन इसका जो कपड़े का क्वालिटी है ना, वो बहुत रफ है, मतलब कि ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा नहीं है। भले 100 रुपये ज़्यादा लगे, लेकिन बच्चों को ना कपड़ा थोड़ा सॉफ्ट रहता है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पर खैर, अब ले लिया तो बाद में भी मैं इसको पहनाऊंगी ही कभी कभी उसको। तो अब धृति की छुट्टी होने वाली है, तो मैं स्कूल जाऊंगी और इसको लेके जाऊंगी, ताकि मैं मैम से पूछ सकूं कि यही सेम कलर सबका है या मेरा अलग कलर आया है, क्योंकि फोटो में तो ये रेड दिख रहा था, तो एक बार वेरिफिकेशन कर लूंगी। तो मैं धृति के स्कूल आई हूँ धृति को लेने के लिए, और धृति अभी भी खेलने में मस्त है, उसको कोई फर्क नहीं है, उसको घर जाने का मन नहीं है, तबीयत खराब है, फिर भी उसे स्लाइड करने की पड़ी हुई है। बाकी बच्चे घर जा चुके हैं, जो बचे हुए बच्चे हैं क्लास में वो सब तो बस से जाते हैं, तो अब बस वाले बच्चों का भी घर जाने का टाइम हो गया है, तो मैम उनकी लाइन बनवा रही हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डॉटर पास फाड़ी हूं। क्या हुआ है तुमको? डॉटर पास। क्या कर रही हो? हैंडी टाइजर कर रही हूं। क्या? हैंडी टाइजर। हैंडी टाइजर? हां। हैंड सैनिटाइज कर रही हो? हां। अच्छा, डॉक्टर के पास क्यों जा रही हो? अच्छा, क्या हुआ है तुमको? पहले करा मम्मी पापा साथ खांसी आ रही है, और किसको खांसी आ रही है? रुको, अभी रुकता। ये क्या हो रहा है? एनी टाइजर हो रहा है। अच्छा, रेडी हो गई तुम? हाँ। कहाँ जा रही हो? क्या दिया? कौन दिया जलाया? ये दीदी। अच्छा, और अब हम आ गए हैं धृति को दूसरी बार दिखाने के लिए। धृति की जो खांसी है वो ठीक नहीं हो रही है, रात भर बेचारी सो नहीं पा रही है, रात भर खांसती रहती है, उठ जाती है। दवाइयाँ तो मैं टाइम से ही दे रही हूँ, पर फिर भी पता नहीं क्यों ठीक नहीं हो रही। एक तो ये ठंड आ जाता है ना, तो मुसीबत आ जाती है। फिर मुझे भी थोड़ी वीकनेस थी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने भी इन डॉक्टर को दिखा लिया। ये डॉक्टर बहुत अच्छी हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सुनती हैं, उसके बाद अच्छे से सजेशंस देती हैं, उसके बाद दवाइयाँ भी इनकी हार्ड नहीं होती, अच्छी होती हैं। तो मुझे ये वाली जो डॉक्टर हैं वो बहुत पसंद हैं। और धृति को कोई जगह नहीं मिला, तो वो काउंटर पे ही बैठी हैं। तो अब हम चलते हैं घर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।